पंजाब के मशहूर कदवर नेता नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर ही अपने विवादित बयान करके जाने जाते हैं। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू वालों धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने का आरोप लगे है। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहला नवजोत सिंह सिद्धू वालों किसान जथेबंदियों के नाल मीटिंग करन दी वीडियो अपने निजी चैनल ते पोस्ट की गई सी, जिस तो बाद गौर नाल वेखन ते नवजोत सिंह सिद्धू वालों जो शॉल लिता गया सी उस उत्ते खंडा साहिब सुशोभित सी, जिस तो बाद सिख जथेबंदियों वालों नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक मंग पत्र श्री अकाल तख्त साहिब अते अमृतसर के DCP नूं दिता गया। उथे ही सिख जथेबंदियों के आगू भाई परमजीत सिंह अकाली ने जानकारी देंदे दस्या कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार ही विवादित बयान दिते जाते हैं, पर इस बार उन्होंने वालों हद ही मुका दी गई है। उन्होंने वालों एक वीडियो पोस्ट की गई जिस विच उन्होंने वालों एक शॉल लिया गया सी जिस उत्ते गुरु साहिबान का चिन्ह खंडा देखने को मिल सकता है। उथे ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक सूझवान लीडर ने अते वह हर एक मुद्दे उत्ते बेबागे दे नाल बोलते हैं, पर उन्हां वालों इस नूं लै के कोई भी अजे तक प्रतिक्रिया नहीं दिती गई। उन्हां कहा कि वह प्रशासन कोलों उन्हां दे खिलाफ मंग पत्र भी देणगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अरदास परमजीत सिंह अकाली सेवादार सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब जी, आप जी जानते हो कि समय समय अनुसार आप देखते रहने कि जो सियासी लोग ने सियासत नाल संबंधित ने वह कई बार देखने आया कि गुरबाणी दी पवित्र पंक्तियां का दुरउपयोग करते रहते हैं, अपनी मत अनुसार गुरबाणी नूं बोलते ने, अपने हिसाब नाल गुरबाणी की वरतों करते रहते हैं। सो उहदे तहत ही नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित एक MLA आ, उहदे वल्लों एक शाल अपने उपर लई होई आ जिहदे उपर जिथे खंडा साहिब पवित्र दा जिहड़ा वा एक लोगो बनया होया, उत्थे एक ओंकार साहिब दा जिहड़ा वा उत्थे चिन्ह बनाए हुए ने, छपाई हुई भी आ। हुण इत्थे सवाल यह आ भी कई लोग ये कहणगे भी खंडा जदी आम टी-शर्टां दे देखण नूं मिलदा, एक ओंकार भी लोग हत्थां ते लिख लैंदे ने, मसला ये नहीं हैगा। मसला है कि जेकर कोई एक खूज डिगा कि सारे खूज छाल मारांगे, वड्डी चीज़ यह है कि पवित्र गुरबाणी कित भी अंकित हो जाए। गुरबाणी में भी दर्ज दर्ज कर महाराज ने, भगत नामदेव जी ने लिखा वा कि जे एक अक दे जिहड़ा आपां लक्कड़ तक अक हुंदा ना उत्ते भी गुरबाणी कित लिख दी साडे वास्ते भी पूजण योग आ। पर जेकर असी एक इस तरह की सैलिब्रिटी इदा का चेहरा जिहड़ा धर्म नूं बड़ा अगे रखता, खास करके आपां देखदे सारे सारे धर्मां दा सत्कार करता, वह इदा की गलती करता वा, तो उहदे वल वेख के फिर हज़ारां लोग गलती करनगे। इस करके इस चीज़ में ठल पैनी बहुत जरूरी है। दूसरा, श्री अकाल तख्त साहब वालों हुक्मनामा जारी आ कि गुरबाणी की पवित्र कितने भी वरतों जी इस तरह नहीं कर सकते, जिमें ईवन अखबारों के विआह वाले कार्डा के उत्ते जिमें कि टैटू बन लग गए हैं, यह हुक्मनामा जारी आ, पर उल्ट फिर भी दोबारा यह जो कार्रवाइया होंगे ने तो सूँ लगता सूँ वो हुक्मनामे लागू कराने की लड़ा आ। अपन सारे ये फर्ज बनता कि यह ना देखा करिए कि अगले बन्ने कौन आ, गलत नूं गलत कहण दा मादा रखिए। दूसरी बेनती अज श्री अकाल तख्त साहब असीं आए हाँ जी, श्री अकाल तख्त साहब नूं असीं एक मंग पत्र दे रहे हैं कि इन ते वर्गे होर भी जिहड़े लोग जाने अणजाने जिद्दां दीआं गलतियां कर रहे हैं उन्हां दे उपर ठोस कार्रवाई करके ते इहदा कोई ठोस हल कीता जावे तां कि अगे तों अजिही कोई गलती ना होवे। बिल्कुल जी, इस तों बाद असीं DCP सरदार जगमोहन सिंह जो अमृतसर साहब दे क्राइम दे ने उन्हां नूं वी असीं जा करके मंग पत्र दे रहे हैं जी कानूनी कार्रवाई वास्ते। इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू नाल मिलने की कोशिश की गई कि वो इस गलती लिए माफी मांग ले, एक सीधा मंग पत्र ही दिता जाए। उस चीज़ की क्लीयर क्वेश्चन तुहानू ये दिंदे आ कि सानू लग्या सी कि शायद उन्हां को गलती हो गई होनी है, तो वो अपनी इस गलती नूं शायद सोशल मीडिया के उत्ते लिख के चार अक्षर जाहिर कर देणगे, पर एक चीज़ कल देखण च आई, इन्ना रौला पैण के बाद भी उन्होंने कल फिर दोबारा वो फोटो बिना कोई चीज़ लिखिया फेसबुक पर दोबारा पाई। ये तो मंशा प्रगट होंगी कि शायद मैनू परवाह नहीं, तुसीं लोग विरोध करदे हो तो करी जाओ।